नमस्कार दोस्तों, श्राधे। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल ज्योतिष पंचांग। मैं अंशुल त्रिपाठी, आपका ज्योतिष विद योगवास शास्त्री। मित्रों, आज हम बात करेंगे शनि की साढ़े साती की। गोचर में शनि का परिवर्तन सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। शनि एक राशि पर 2.5 वर्षों तक निवास करते हैं। एक पीछे की और एक आगे की राशि को प्रभावित करते हैं। साथ में छठवें और दसवें क्रम पे जो राशि होती है उनके लिए शनि की अढ़ैया भी लगती है। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कौन कौन सी राशियां शनि की साढ़े साती से मुक्त हुई, कौन सी राशि, और कौन सी राशियां अढ़ैया से मुक्त हुई, और किन किन राशियों पे शनि की अढ़ैया और साढ़े साती प्रारंभ होगी। साथ में यह भी बताएंगे क्या शनि के इस गोचर का प्रभाव केवल इन्हीं राशियों पे पड़ेगा कि और जो राशियां हैं उन पे भी पड़ेगी। ये संपूर्ण चर्चा इस वीडियो में करेंगे और अंत में आपको उपचार के संबंध में भी थोड़ी वार्ता करेंगे कि क्या करें जिससे शनि की साढ़े साती का प्रभाव ना हो। सबसे पहले हम बात करते हैं कि शनि के शुभ और अशुभ प्रभाव कैसे देखे जा सकते हैं। जिन लोगों के जीवन में पीड़ा अधिक हो, जिन लोगों के जीवन में पारिवारिक सुख अच्छा ना हो, कहीं न कहीं से शनि की साढ़े साती का प्रभाव है। और आर्थिक विकास काफी मंद हो जाए, कर्ज की स्थिति बढ़ती जाए, ऐसे लोगों के जीवन में कहीं न कहीं से शनि का दुष्प्रभाव है। साथ में घर में कलह की स्थिति हो, माता पिता भाई बहनों के साथ भी वैचारिक मतभेद हो। कई बार हमने देखा कि जिनकी कुंडली में शनि खराब होता है उनकी माता को शुरू से तकलीफ रहती है और पिता के साथ उनके वैचारिक मतभेद भी बने रहते हैं। शनि की साढ़े साती आदमी को श्वास संबंधी समस्याएं भी प्रदान करता है, जैसे पेट की समस्या, हड्डियों की समस्या, पैरों में दिक्कत, इस तरह की बीमारियों के साथ साथ कुछ ऐसी भी बीमारियां देता है जो जीवन भर चलती रहती हैं, जैसे श्वास की समस्या, इश्नोफिलिक की समस्या, गठिया या जो भी पतली नसों से संबंधित, जिसको नीरो कहा जाता है, उससे संबंधित भी बीमारियां देता है शनि। शनि कठोर मेहनत करवाता है। कठोर मेहनत कराने के बाद भी कई बार आपको उसका फल प्राप्त नहीं हो पाता है, आपके मन में घोर निराशा और उदासी देता है। आपके अपने जो होते हैं, जो आपके द्वारा सिंचित हुए हैं, वो भी कई बार आपका साथ नहीं देते हैं। इन तमाम विडंबनाओं की अवस्था को शनि का दुष्प्रभाव कहते हैं। इसके सुख प्रभाव क्या है? सुख प्रभाव भी शनि देता है। शनि न्यायाधीश है, वो कभी भी किसी को गलत फल नहीं देते हैं, ये बात आपको जान के रखनी चाहिए। सुख फल क्या आते हैं? जीवन में जब आपकी कठोर मेहनत के बाद आपको उच्च पद मिले, आपको नौकरी में प्रमोशन हो, पुत्र श्रेष्ठ सुख प्राप्त हो, पत्नी के साथ अच्छे संबंध हो, इन चीजों का शनि का शुभ प्रभाव होता है। लेकिन शनि का वैवाहिक जीवन बहुत लंबा अच्छा नहीं रहता है, इसलिए सारे सुख में भी जीवन साथी को थोड़ा सा स्वास्थ्य की समस्या देते हैं। लेकिन हाँ, आपके जीवन में पदोन्नति, व्यक्तित्व विकास, समाज में सम्मान, इज्जत, यह सब भी शनि अपनी शुभ अवस्था में प्रदान करते हैं। मैंने बहुत बार देखा है कि घर बनना, वाहन लेना, जमीन लेना या कोई बड़ा व्यवसाय प्रारंभ होना भी शनि की शुभ अवस्था में हो जाता है। अब विषय उठता है कि शनि की शुभ अवस्था कौन सी होती है। कुंडली में जब शनि तुला राशि में, कुंभ राशि या मकर राशि या वृष राशि में हो तो इसकी शुभ अवस्था मानी जाती है। सभी कुंडलियों के लिए शनि का अलग अलग प्रभाव होता है। यह महादशा और शनि की स्थिति के अनुसार ही निर्णय लिया जा सकता है।
अब हम अपने मूल विषय पे वापस आते हैं कि शनि की साढ़े साती का क्या प्रभाव किसके ऊपर और अढ़ैया का क्या प्रभाव होने वाला। सबसे पहले बता दें 17 जनवरी 2023 को शनि मकर राशि से कुंभ राशि में प्रवेश करने वाले हैं। मकर राशि शनि की राशि है, कुंभ राशि उनकी मूल त्रिकोण राशि है। मूल त्रिकोण के तात्पर्य है शनि को सबसे ज्यादा प्रिय राशि ये मानी जाती है। इस कारण से अब धनु राशि पे जो साढ़े साती चली आ रही थी वो खत्म हो गई। अब किस पे साढ़े साती है, अब मकर, कुंभ और नई साढ़े साती किसी पे प्रारंभ हो रही है तो मीन राशि पे प्रारंभ हो रही है। शनि की साढ़े साती जैसे ही आगे बढ़ती है पीछे के घर को थोड़ा सा प्रभावित करती है, जैसे कि धनु राशि को एक गहरा प्रभाव देकर अब वह मकर, कुंभ और मीन में जा रही है और मीन राशि वाले भी इससे ज़्यादा प्रभावित होंगे। सडन कारण क्या है, शनि का आना, यह संदेह रूप में एक दिखेगा, परिस्थितियां आपको टफ दिखेंगी, लेकिन शनि की साढ़े साती में एक खासियत होती है, अगर पीछे आपने शुभ कर्म किए हैं, मेहनत और ईमानदारी का परिचय दिया है तो चीज़ें निगेटिव दिखेंगी लेकिन अंततः उसका परिणाम आपके लिए काफ़ी शुभ होने वाला है। वहीं पर मैं अगर बात करूं कि शनि की ढैया किस पे ख़त्म हुई किस पे शुरू हुई, तो शनि की ढैया का नियम है शनि जहां होता है वहां से छठवां और दसवां घर ढैया से प्रभावित होता है। तो शनि की जो ढैया होने वाली है वह कर्क और वृश्चिक राशि पे होने वाली है। किससे किससे उतरी, मिथुन और तुला राशि वालों की शनि की ढैया जो चल रही थी वह समाप्त हो गई। अब बात होती है कि शनि की जो साढ़े साती है वो मकर, कुंभ और मीन राशि को क्या प्रभाव देगी। सबसे पहले हम मकर राशि की बात करते हैं। मकर राशि वालों के लिए यह बेहतर स्थिति है। इस स्थिति में जो पीछे आपको शरीर की पीड़ा थी, आपके काम रुके हुए थे, मेहनत का फल नहीं आ रहा था, अब इस 2.5 वर्ष में आपको मेहनत का परिणाम प्राप्त होगा। ऐसे बीच में आपको थोड़ी बहुत उलझनें आ सकती हैं लेकिन उन उलझनों का अंतिम परिणाम जो निकलेगा आपके लिए शुभ होगा। हाँ, इस बात में थोड़ा सा कमी या अंतर आप देख सकते हैं। कारण क्या है कि कुंडली में अगर आपका शनि ज़्यादा खराब होगा या महादशा ज़्यादा खराब होगी तो हमारे कहे हुए शुभ फल थोड़े कम हो सकते हैं, लेकिन नियमता देखा जाए, अगर मैं केवल गोचर की बात करूं तो आपके घर में परिवार की वृद्धि होगी, विवाह से संबंधित जो काम रुका है वह आगे बढ़ेगा, नए आमदनी के स्रोत आएंगे। लेकिन इन शुभ स्थितियों को कायम रखने के लिए आपको अपने संस्कार और धर्म को कहीं न कहीं से आगे ही बढ़ाना होगा। ये वार्ता रही मकर राशि के बारे में। अब हम बात करें अगर कुंभ राशि की, तो कुंभ राशि वालों के लिए मकर की या शनि की जो साढ़े साती है श्रेष्ठ अवस्था की साढ़े साती मानी जाएगी। लेकिन शनि एक ऐसे एग्जामिनर हैं कि अगर अपनी ही लिखी हुई कॉपी को बाद में चेक करते हैं या अपने संतान की या अपने जुड़े हुए लोगों की, तो कोई भी पक्षपात नहीं करते हैं। आपने जो पीछे शुभ काम किए हैं, जो मेहनत की है, उसका फल आपको शनि अवश्य प्रदान करेंगे। आपको अधिक से अधिक धन लाभ होगा, लेकिन अधिक से अधिक मेहनत भी आपसे शनि इन 2.5 वर्षों में ले लेंगे। जीवन में ऐसे भी परिवर्तन ला सकते हैं कि जो आपके मोह को भंग कर सकता है। शनि की एक खासियत होती है, जिन चीज़ों में आपकी गहरी माया होती है उसको एक बार ऐसा प्रतीत करते हैं कि जैसे समाप्त हो गया है। मैंने कई बार देखा है कि संतान के स्वास्थ्य की समस्या, आमदनी की समस्या, पत्नी या प्रेमिका या आपका कोई प्रोफेशन होता है जो आपके अंदर एक अहंकार या एक गहरी लालसा पैदा करता है, शनि अपने शनि की साढ़े साती में उसको
प्रभावित करते हैं, उसको झकझोरते हैं, जिससे आपको समझ हो कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। शनि को मृत्यु का कारक कहा गया है। यह मृत्यु का तात्पर्य केवल शारीरिक नहीं है, आपके अंदर जो माया है, जो लालच है, जो घृणा है, जो जेलस है, उसको भी मारने का कार्य शनि अपने 7.5 सालों में करते हैं। किसी भी व्यक्ति के जीवन में 3 से अधिक 7.5 साथी नहीं देखी जाती है। बहुत से लोग होते हैं केवल 2 ही 7.5 साथी देखते हैं, नहीं तो वो 3 7.5 साथी ही किसी के जीवन में आती है। और तीनों बार समझ लीजिए कि ऑडिट किया जाता है, आपके जीवन का लेखा जोखा किया जाता है, आपके शुभ और अशुभ दोनों कामों का आकलन किया जाता है कि आपने कितना शुभ कार्य किया है, कितना अशुभ कार्य किया है, दोनों का आकलन करके आपको फल प्रदान किया जाता है। शनि को कर्म फल दाता कहा जाता है। अब हम वार्ता करेंगे कि शनि की 7.5 साथी का मीन राशि पे क्या प्रभाव होने वाला है। सबसे पहले तो हो सकता है आपको घर से दूर जाना पड़े, हो सकता है कि आपको विदेश की यात्रा की लालसा है वो मिल सकती है। लेकिन हाँ, इसके निगेटिव भी जो पक्ष हैं, चली आ रही बीमारियों में विकास हो सकता है, कोई अपना आपसे दूर भी जा सकता है, ऑपरेशन, चोट चपेट या हॉस्पिटलाइज होने की भी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। हम उपचार की भी वार्ता इस वीडियो में करेंगे, आपको निगेटिव सुनकर परेशान नहीं होना है। लेकिन शनि की 7.5 साथी की एक मूल स्थिति आप समझिए, पीछे अगर आपने गलती नहीं की है तो शनि की 7.5 साथी आपको कभी भी अशुभ परिणाम नहीं दे सकती है। अगर आपने खूब मेहनत की है और बहुत दिनों से चाह रहे हैं कोई बड़ी संस्था खुल जाए, विदेश की यात्रा हो जाए, धर्म के क्षेत्र में विकास हो, आपको दुनिया जाने, तो यह 2.5 वर्ष आपके लिए इन्हीं चीज़ों को देने वाली भी साबित होगी। आपको वो सारे सुख भी प्राप्त होंगे जो आप चाहते हैं। शनि इन 2.5 वर्षों में आपको भोग विलास, सुख सुविधा, यात्रा खूब प्रदान करेगा। बस इन स्थितियों में आप कितने इसके आदि होते हैं, किससे कितना इससे गहरे जुड़ते हैं, किस कृष्ण के उस श्लोक का प्रयोग करते हैं, त्यक्तेन भंजते। अगर त्यक्तेन भंजते का आप प्रयोग करेंगे तो समझिए कि शनि की 7.5 साथी आपके लिए गोल्डन होने वाली है। अब हम बात करेंगे कि शनि की अढ़ैया, कर्क राशि वालों को शनि की अढ़ैया होने वाली है। थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा, अपनी माता का ध्यान रखना होगा, परिवार में थोड़ा सा कलह बढ़ सकती है। कोई भी काम आप करते हैं तो उसके लिए जो भी आपके आर्थिक मैनेजमेंट है उसमें डिस्टर्बेंस आ सकता है। लोन आदि अगर लेना चाहते हैं तो संभल के लीजिए। अगर आप कोई ज़मीन खरीदना चाहते हैं, घर बनवाना चाहते हैं, तो समझ के चलिए थोड़े से बाधाएं आने के बाद फिर आपका कार्य आगे बढ़ेगा। अब अगर हम बात करें वृश्चिक राशि वालों की, तो वृश्चिक राशि के ऊपर भी शनि की अढ़ैया आने वाली है। इन 2.5 वर्षों में आपको जीवन का गहरा सत्य पता चलेगा। शरीर से, तन से या मन से आप दूर हो सकते हैं अपनों से। आपके घर में किसी को परेशानी भी हो सकती है, किसी को हेल्थ वाइज दिक्कत हो सकती है, इनका भी आपको ध्यान रखना होगा। वृश्चिक राशि वालों को ज्ञान होगा इन शनि की अढ़ैया का कि कैसे जीवन में हम अपने आप को सही करें। ज्योतिष की गहराइयां, तंत्र की गहराइयां, धर्म की गहराइयों से होकर आपको गुजरना पड़ेगा। आप जान पाएंगे कि ज्योतिष में ज्योतिष क्या है, तंत्र क्या है, केमिकल क्या है, CBI के काम क्या है, कानून क्या है, जितनी भी डीप चीज़ें हैं इन 2.5 वर्षों में आपका पाला पड़ेगा और आप उसको गहराई से जान पाएंगे। वृद्धि और विकास की बात की जाए तो नए द्वार आपके लिए खुल सकते हैं, नई चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं,
जिसको आप प्राप्त कर सकते हैं, जीवन में शुभ संकेत मिल सकते हैं। अब अगर हम और राशियों की वार्ता करें, अभी तो हमने केवल वार्ता की धनु की, थोड़ी सी मकर, कुंभ और मीन की, और वृश्चिक की और कर्क की। अब हम वार्ता करेंगे मेष राशि। मेष राशि की जो ढैया है, शनि का जो गोचर है, उसका क्या प्रभाव होगा अगर इसकी बात करें, आपको अपना ध्यान देना पड़ेगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से, वैचारिक मतभेद से, और किसी से कोई भी पब्लिक कन्वर्सेशन करें तो सावधानी पूर्वक करें। वृद्धि और विकास की दृष्टि से अच्छा रहने वाला है, आपकी चीजें बेहतर होंगी। वृष राशि, इनके लिए शुभ रहेगा शनि का गोचर। आपको नए आयाम मिलेंगे, घर गाड़ी स्वास्थ्य से संबंधित जो भी समस्या थी वो धीरे धीरे इस वर्ष समाप्त होने वाली है। मिथुन राशि की बात करें, आपको साहस की प्राप्ति होगी, आप अपने रुकी हुए कार्यों को बलपूर्वक कर पाएंगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल, आत्मविश्वास कहीं न कहीं बढ़ने वाला है। शनि और कर्क राशि, जिसकी चर्चा हम पीछे कर चुके हैं, अब हम बात करेंगे सिंह राशि। सिंह राशि वालों के लिए एक अवसर आने वाला है, ज्ञान का, विज्ञान का, समझ की, संतान के विकास की, संतान के शिक्षा की, और साथ में आपको जीवन में एक नई दृष्टि प्रदान करेगा। आपको धार्मिक किताबों की तरफ पढ़ना चाहिए, धर्म की तरफ आपको बढ़ना चाहिए। खास तौर से सिंह राशि के जो स्टूडेंट हैं, उनको तो पढ़ाई में विशेष ध्यान देना चाहिए। ये 2.5 वर्ष आपके ज्ञान और विज्ञान को कई गुना बढ़ाने वाला है, आपके नज़रिए को इतना स्मार्ट करेगा कि आप समझ पाएंगे किसी कार्यों को कैसे किया जाए। अब अगर हम बात करें कन्या राशि की, कन्या राशि वालों को थोड़ा सा ध्यान देना होगा। कोई भी कागज अगर छूते हैं, लिखते हैं, तो उस पर क्या लिखते हैं, सावधानी पूर्वक। कोई जमीन खरीदनी हुई, कोई नया काम करना हुआ, नया व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, तो पूरे ध्यान से इस कार्य को करेंगे, लिखा पढ़ी संबंधी कोई दोष ना होने पाए। किसी को भी पैसा दें, किसी से कर्ज लें, तो समझ बूझ के लें, दोनों स्थितियों में पैसा फंसेगा, आपको देने और लेने दोनों में दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। अब हम अगर बात करें तुला राशि, तुला राशि की अगर बात की जाए तो तुला राशि के लिए काफ़ी शुभ माना जाएगा। भाग्य की दृष्टि से भी विकास होगा और आपके जीवन साथी की तरफ से आपको काफ़ी अच्छे शुभ संकेत प्राप्त होंगे। जीवन साथी का प्रोग्रेस होगा, आपका जीवन साथी आगे बढ़ेगा। अगर हम बात करें वृश्चिक, जिसकी चर्चा हमने पीछे कर ली है, अब आखिरी चरण में अगर मैं बात करूं क्या उपचार होगा सबके लिए। देखिए, शनि कर्म के कारक है, ऐसी स्थिति में आपको अधिक से अधिक काम करना चाहिए। शनि काल के कारक है, आप अपने काम और कमिटमेंट को घड़ी के अनुसार करेंगे तो शनि आपका शुभ फलकारी होगा, आपको अधिक से अधिक शुभ फल प्रदान करेगा। साथ में मैं आपको एक चीज और बता दूं, शनि को प्रसन्न करने के लिए आपको हनुमान जी की उपासना और शनि देव की प्रॉपर उपासना करनी चाहिए। हनुमान जी की उपासना में क्या करें, आपको हनुमान चालीसा का पाठ, सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। शनिवार के दिन शनि देव को तेल का, सरसों के तेल का दीपक जलाना, गरीबों के प्रति, अपने से नीचे लोगों के प्रति एक संवेदनशील भाव, एक प्रेम पूर्वक भाव, सहयोगात्मक भाव रखना चाहिए। इन सभी चीज़ों से शनि प्रसन्न होते हैं। आपको अपने अंदर से मैं का त्याग करना चाहिए। जब आप मैं का त्याग करते हैं तो शनि आपके लिए काफ़ी फ्रूटफुल होते हैं। तो मित्रों, इस वीडियो में हमने शनि की 7.5 साथी की एक संक्षिप्त चर्चा की। अगर आपको अपनी कुंडली दिखानी है या आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं, ज्योतिष और न्यूमरोलॉजी आप सीखना चाहते हैं, तो दिए नंबर पर फोन करके आप हमसे वार्ता कर सकते हैं और क्लास के लिए भी बात कर सकते हैं, अपनी कुंडली दिखाने के लिए भी हमसे वार्ता कर सकते हैं। अंत तक आपने इस लंबी वीडियो को देखा, मैं हृदय से आप लोगों को धन्यवाद करता हूँ।
और अभी तक अगर आप हमारे ज्योतिष पंचांग चैनल के परिवार के हिस्सा नहीं बन पाए हैं तो निवेदन है कि आप इस परिवार का हिस्सा बने और आपका जुड़ना हमारे उत्साह को बढ़ाता है। नमस्कार, सिद्धार्थ। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो इसे लाइक करना ना भूलें। ज्योतिष और पंचांग से जुड़ी जानकारी हम आपके लिए लाते रहेंगे, तो आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्योतिष पंचांग को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार मिलती रहे।